दिल्ली के मोती नगर में पारस परिवार की ओर से मां दुर्गा जी का संपूर्ण नवरात्रों में महिषासुर मर्दिनी का पाठ रखा गया, जिसके रचयिता खुद श्री पारस भाई जी हैं। गुरु जी का मानना है कि जो भी यह पाठ नित नियम से करता है या श्रवण करता है, उस पर मां दुर्गा की असीम कृपा होती है। यह ग्रंथ दुर्गा स्तुति और देवी भागवत का हिंदी अनुवाद है। महिषासुर मर्दिनी का पाठ जो है ये दुर्गा नवरात्र का जो है 9 दिन के लिए रखा गया है, जो है इस श्री पारस भाई द्वारा जो है गुरु जी के द्वारा जो है ये रचित है ग्रंथ जो है। इसमें माँ दुर्गा के जो है शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो है जो माँ दुर्गा के नवरात्रे होती हैं जो है शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक जो है, उसमें बड़ा ही सुंदर ढंग से जो है इनका जो है विवेचन किया गया है। जो है इनका मानना है कि जो हमारी आदि शक्ति है जो है माँ दुर्गा जो है, उसके उपासना से जो है हमारे सनातन धर्म की जो विलुप्त हुई जो है संस्कृति जो है उसको पुनर्जन्म मिलेगा। जो है जो इसको जो है सच्चे दिल से जो है इसको पढ़ेगा, उसको मानेगा करेगा, माँ शक्ति जो है दुर्गा उसकी जो है कल्याण करेंगी जो है, और आने वाली संतति जो हमारी जो है उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। जो है ये कार्यक्रम नवरात्रों का कार्यक्रम है, गुरु जी ने रखा है ये देवी शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए और हमें धर्म के आगे खड़ा करने के लिए। मतलब आजकल सब धर्म से जैसे पीछे होते जा रहे हैं ना, हर तरफ मतलब अजीब सा ही माहौल हो रहा है, तो भाई हमें भी कुछ उसके लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो हम पाठ हम लगभग पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा ये पाठ जो है दिन प्रतिदिन मतलब जब भी हम कराते हैं उससे बड़ा 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 होता जाता है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बड़े सालों से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, और ये धर्म के बारे में प्रचार होता है यहाँ पे, सनातन धर्म के बारे में, हमारा धर्म क्या है और क्या सिखाता है वही गुरु जी यहाँ पे बताते हैं सबको। और दूसरा ये है, ये शक्ति के बारे में बोलती हैं, शक्ति क्या चीज़ है, नारी शक्ति क्या है। कहते हैं नारी जो है कमज़ोर समझी जाती है, नारी कमज़ोर नहीं है, वो शक्तिशाली है, उसे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और इन्होंने सबको बताया है कि हमें धर्म के बारे में प्रचार करना चाहिए, धर्म के बारे में देखना चाहिए हमारा सनातन धर्म क्या है, क्या बना है, जिसको गुरु जी ने बहुत ही सरल और कविता रूप में लिखा है। दुनिया में नारी की पावर और औरत की पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी दुनिया में आधी तो औरतें हैं या गलत या सही, लेकिन वो अपनी पावर्स को अपनी चीजों को नहीं पहचानती। एक आदमी है वो मान लेते हैं 30-40 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, ठीक है। एक औरत है वो किसी बड़ी पोस्ट में है और उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपया मान लेते हैं, या तब भी कोई बात नहीं। अब उस औरत को बच्चा हो जाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो बेबी होने के बाद अब उस बच्चे को संभालेगा कौन। ये कार्यक्रम सनातन धर्म का जो कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा कार्यक्रम मैंने आज तक नहीं देखा है। पारस गुरु जी ने जो धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन का मतलब क्या होता है, जो सदा से तना हो, वो धनुष की तरह झुकना नहीं चाहिए, तो सनातन को उठाने का काम कर रहे हैं। हम बहुत जगह गए हैं, हम जब 12वीं में पढ़ते थे तो विंध्याचल जी गए थे सबसे पहली बार, मैं मैहर भी गया था, मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, यहाँ दिल्ली में कत्यालीन देवी भी गया हूँ, और शीतला माता मंदिर भी गया हूँ, वो सारे सिद्ध पीठ हैं। लेकिन जो शांति यहाँ मिल रही है, जो अनुशासन है, जो एक सभी लोग जो हैं एक ड्रेस में सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जगह जहाँ शांति भी हो, जहाँ सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पर शक्ति की जो
वो मिल रही है, कहीं नहीं मिलती है। शक्ति तो हम लोग को बहुत पहले से मिला हुआ है। हमारी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा शक्ति की पूजा करती हैं, जो कि 5 साल से ही बच्ची थी तभी से करती थी। तो हमारे यहाँ माँ काली का भी मंदिर है हमारे द्वार पे। कार्यक्रम के बारे में मैंने सुना था, मैं आज सुबह आया, कल भी आया था मैं यहाँ पर। तो जो यहाँ का माहौल है वो माहौल काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पे लोग हैं, जिस तरह से यहाँ व्यवहार बना हुआ है, परिवार की तरह से व्यवहार बना हुआ है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है भक्ति में। नहीं, मेरे दोस्त लाया था अभी 2-3 दिन पहले के एक प्रोग्राम में, वहाँ चल रहे हैं तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, अंदर ऊर्जा थी महसूस हुई। उसके बाद मेरा फिर आज मन बना तो मैं आज भी आ गया। प्रथम नवरात्र में महिषासुर को मारने वाली सरा तेरी जय जय हुए पाठ का अनावरण भी किया है, जिसमें असंख्य भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवदर्शन।